नंबर 4 काशी विश्वनाथ मंदिर का। ये गडौलिया चौराहा, मलियों की दुकान आपको सामने दिखाई दे रही होगी। ये रास्ता जाता है आपका अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ, जहाँ पे आप अपनी दो पहिया चार पहिया गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। देख सकते हैं ये डिटेल यहाँ लिखा गया है। ये देखिए गेट के बगल में कितना बड़ा त्रिशूल रखा गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। इस समय मैं आ गया हूँ गडौलिया चौराहे पर, और गडौलिया चौराहे से मैं आपको काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 का नज़ारा दिखाऊँगा। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी सामने दोस्तों आप देख सकते हैं ये गडौलिया चौराहा, और आपको नंदी जी की प्रतिमा दिखाई दे रही होगी बीचों बीच, और उसके पीछे है गडौलिया के टू व्हीलर पार्किंग, और इस साइड है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मेन गेट जो कि गेट नंबर 4, जो कि 400 मीटर की दूरी पर है। चलिए चलते हैं, आपको नज़ारा दिखाते हैं उसका। ये रास्ता आपको ले जाएगा दशमेध घाट की तरफ, और यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर यह कॉरिडोर का मेन गेट, गेट नंबर 4। काफ़ी सारे दुकानें आते हैं, पानी पूरी का आपको दिखाई दे रहा होगा इधर। और इस समय ठंडी का समय है, तो आपको मलइयों भी मिल सकता है। साल में आपको 3-3.5 महीने आपको दिखाई देगा मलइयों, ठंडी में ही बस बनता है। यहाँ पर आपको रिक्शा भी नज़र आ रही होंगी जो कि आपको कॉरिडोर तक पहुँचा देंगी। बनारस की साड़ियाँ काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी साड़ियों की, गडौलिया मार्केट में भी और इस रोड पे भी। यह अमेरिकन टूरिस्टर का ट्रॉली बैग इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, और यह है गेस्ट हाउस इधर। यह है गौतमेश्वर महादेव मंदिर। यह होटल आदित्य इंटरनेशनल। यह श्री बड़ादेव मंदिर। इस रोड पर भी काफ़ी सारे आपको मंदिर नज़र आ जाएंगे। यह आयुर्वेदिक की दुकान आपको सामने नजर आ रही होगी, और यह डेंटल क्लिनिक। पता नहीं आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं और हॉर्न भी लगातार बज रहा है, तो वॉइस काफ़ी कम आ रही होगी मेरे ख्याल से आपको, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे भी नीचे आप देख सकते हैं पार्किंग बनाया गया है। यहाँ से 200 मीटर लेफ्ट में सुनार गली है, ये रास्ता जाता है सुनार गली की तरफ, और सामने आप देख सकते हैं काफ़ी विशाल होटल बनाया गया जिसका नाम है होटल श्री राम। ये डोसा कॉर्नर, प्राइस देख सकते हैं आप, काफ़ी नॉमिनल है। यह है बांस फाटक रोड, इस पर भी हम चल रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दर्शन करने के लिए। समय सूरज हमारे जस्ट पीछे है, उधर की फुटेज काफ़ी अच्छी आ रही है, बिल्कुल नीला आसमान, मौसम साफ है। यह है धनलक्ष्मी, ये भी साड़ी की दुकान है, 3 मंजिला दुकान है, काफ़ी बड़ी दुकान है ये भी। ये देखिए टाई की दुकान, पूरा टाई आपको नजर आ रहा होगा इधर। और ये है कुर्ते की दुकान इधर सामने। इस रास्ते पे थोड़ी चढ़ाई है, हल्का सा लगता है, ऊंचे साइड पे बनाया गया है इसे।
अपने दोस्तों आप देख सकते हैं मलियों की दुकान आपको सामने दिखाई दे रही होगी। जब भी आप बनारस आएँ ठंडी के समय में तो इसे खाना ना भूलें, काफ़ी बढ़िया लगता है। इधर भी आप देख सकते हैं मलियों, रास्ता आप देख सकते हैं, थोड़ा चढ़ाई आपको दिख रहा होगा, पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा है नहीं, और सीधी चढ़ाई है इधर। ये देखिए पीताम्बरी साड़ी की दुकान, इसका भी काफ़ी नाम है। जैसा कि गदौलिया मार्केट को पिंक कलर से कलर किया गया, वैसे इधर भी आप देख सकते हैं दुकानें आपको पूरी पिंक कलर की नज़र आती होंगी। और ये रास्ता जाता है आपका अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ। यहाँ पे लॉकर रूम बनाया गया है जहाँ पे आप अपने सामान रख के मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पे बाटी चोखा मिल रहा है, यूपी बिहार का फेवरेट डिश है, ठंडे में खाने में मज़ा भी आता। इधर आप देख सकते हैं सामने भगवान की मूर्तियों की दुकान यहाँ पर है और पूजा से रिलेटेड सामान भी मिल रहा होगा। और यह श्री विश्वनाथ जलपांग्रह, मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यह है शाहपुरी मॉल, जहाँ पे आप अपनी दो पहिया चार पहिया गाड़ी खड़ा कर सकते हैं अगर आपको गदौलिया चौराहे पर जगह नहीं मिल रहा हो पार्किंग में। यह है राजघराना दुकान जहाँ पर बनारसी सिल्क साड़ी और हैंडलूम साड़ी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे शौचालय की भी सुविधा दी गई है रास्ते में। ये एक काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा वेटिंग लॉन्च बनाया गया है और यहाँ पे सोविनियर शॉप भी है और बुकिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। आप जाके देख सकते हैं ये डिटेल यहाँ लिखा गया है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रसाद काउंटर भी इधर है और लॉकर फैसिलिटी भी आपको यहाँ मिल जाएगी काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट द्वारा। ये सामने है श्री सत्यनारायण जी मंदिर का। यहाँ भी ट्रॉली बैग आपको मिल जाएंगे और काफ़ी सारे दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी पूजा से रिलेटेड सामान की, क्योंकि जस्ट बगल में ही है यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4। जयपुर है ना, आगे है रिक्शा करने। सामने आप जो इमारत देख रहे हैं उसमें भारी भारी जनरेटर रखे गए हैं क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करते हैं। और रोड के साइड में आप देख सकते हैं आपको दुकान नज़र आ रही होंगी, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और मालाएं चढ़ा सकते हैं मंदिर में। यहाँ से रास्ता है जाने का कॉरिडोर में, ये आप देख सकते हैं विश्वनाथ गेट। अभी कपाट फिलहाल लग रहा है बंद है, इधर से लोग इधर से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और कॉरिडोर के साथ सामने यहाँ पर काफ़ी सारे दुकान हैं जहाँ पे आपको पूजा से रिलेटेड सामान मिल जाएंगे, लॉकर रूम की भी सर्विस दी गई है यहाँ पर। ये देखिए गेट के बगल में कितना बड़ा त्रिशूल रखा गया है जो कि कई सौ टन का है। और ये भव्य गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ मंदिर का,
और उसके बगल में है ये ज्ञानवापी मस्जिद, आपको दिखाई दे रहा होगा गैप में। और ये है जनरेटर हाउस, इसमें काफ़ी बड़े बड़े जनरेटर रखे गए हैं जो कि कॉरिडोर में इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करते हैं। ये गेट नंबर 4 का नज़ारा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गेट नंबर 4। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।